स्वागत है दोस्तों आप लोगों का विटोर क्लासेस में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं हिंदी करंट अफेयर्स 29 जनवरी 2018 के लिए। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है इनसे वो भी सीख लेते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला करंट अफेयर है हमारा ये दिल्ली मेरी दिल्ली पहले और बाद में 1998 शीला दीक्षित द्वारा लिखी गई जो 15 वर्ष के निर्धारित रूप से दिल्ली के मुख्यमंत्री थी। किताब भारत की राजधानी शहर की यात्रा और सदियों में इसके विकास को दर्शाती है। तो जो दिल्ली मेरी दिल्ली पहले और बाद में 1998 ये लिखा किसने है शीला दीक्षित ने जो कि 15 वर्ष तक दिल्ली की सीएम थी। बिना रुके हुए हर बार 15 से 3 बार वो जीत के सीएम बनी है। और ये जो बुक है वो ये जो किताब है वो किस पे ध्यान देगी दिल्ली की यात्रा पे जो बनी है दिल्ली। ठीक है बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है भारत और कंबोडिया ने संस्कृति में गहराई से सहयोग और मानव तस्करी को रोकने सहित क्षेत्रों में समझौते के 4 ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कंबोडियन समक्ष हन सेन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों तो इसमें हम क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है और वो है हन सेन। ठीक है और भारत कौन से देश के साथ अभी 4 ज्ञापन के समझौता किया है हस्ताक्षर किया है वो है कंबोडिया। ठीक है दोस्तों ऐसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कंट्री की तरफ। अगला है सर्वोच्च खाद्य उत्पादक में से एक भारत हंगरी शीर्षक के लिए 100वीं रैंक पर खड़ा है। भारत एक सबसे ज्यादा पैदा करने वाला देश है मतलब खाद्य पैदा करने वाला। ठीक है उसके बाद भी जो हंगरी शीर्षक है वो इंडिया उसमें 100वें नंबर पे मतलब इतनी बुरी हालत है। ठीक है 119 में से भारत 100वें रैंक पर खड़ा है जो कि सर्वोच्च आबादी वाले देश के लिए परेशान है। इंडिया 119 देश का पूरा रैंकिंग निकाला गया उसमें से इंडिया 100 नंबर पे तो काफ़ी बुरी हालत है हमारी। तो इसे सुधारना बहुत ज़रूरी है बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और उसके लिए भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे। करंट अफेयर आप इतना देख लीजिए इंडिया का हंगरी शीर्षक में कितना नंबर रैंक था वो था 100। केंद्रीय वित्त मंत्री ने छोटे वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को एपीआई वितरण की पेशकश करने के लिए अटल पेंशन योजना के नियमों को मंजूरी दी। इस कदम से योजना के कवरेज को बढ़ाने और एपीआई वितरण के मौजूदा चैनलों को मजबूत करने में मदद करने की उम्मीद है दोस्तों। ठीक है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एपीआई का फुल फॉर्म क्या है वो है अटल पेंशन योजना। ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। तो जो वित्त मंत्रालय हमारा वो जो छोटे बैंक्स है उनके जो भुगतान के लिए मतलब छोटे छोटे बैंक उनको एपीआई का पेशकश किया गया। आप एपीआई से लोगों को ज्वाइन करवाइए अपने बैंक की तरफ से और आपको भी फायदा मिलेगा आपका उससे बनने के लिए और हमारा भी बेनिफिट होगा। ठीक है दोस्तों इसका मतलब ये है। बढ़ते हैं आगे। दिग्गज बंगाली फिल्म अभिनेत्री और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुप्रिया देवी एक गंभीर हृदय की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। जो प्रसिद्ध अभिनेत्री और सुप्रिया देवी उनको पद्मश्री अवार्ड पुरस्कार भी मिला है उनका निधन हो गया कोलकाता में। उनको हृदय की बीमारी थी 83 साल की थी। सुप्रिया देवी ने 1952 में उत्कृष्ट कुमार अभिनेता बसु परिवार में पहली फिल्म बनाई थी। ठीक है दोस्तों अगला है एयर एशिया इंडिया ने दिसंबर तिमाही में 1.42 मिलियन यात्री की यात्रा की जो पिछले वित्त वर्ष इसकी अवधि में तुलना में 69% अधिक है। एयर एशिया इंडिया टाटा सन्स और मलेशिया करियर एयर एशिया के बीच 51
49 संयुक्त उपक्रम है। सबसे पहले 69% की बढ़ोतरी हुई है एयर एशिया की पैसेंजर में, मतलब बिजनेस समझ लीजिए। और एयर एशिया के मालिक कौन कौन है? टाटा सन्स और मलेशिया कैरियर एयर एशिया। ठीक है, टाटा का इसमें कितना है 51% और मलेशिया कैरियर का कितना है 49%। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है भारत और वियतनाम दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक अनुकूल द्विपक्षीय संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक डाक टिकटों का पहला सेट जारी किया है। डाक विभाग में सचिव ए एन नंदा ने जारी किया। स्टंपों के दो सेंटों में सांची स्तूप और थियन म्यू पगोडा की तस्वीर जारी की गई है। भारत और वियतनाम ने मिलकर एक स्टैंप रेडी किया है जो कि दोनों कंट्री में चलेगा। और ये जो स्टैंप है उसमें किस दो लोगों का चेहरा है, एक सांची स्तूप का और दूसरा है थियन म्यू पगोडा का तस्वीर इसमें बना हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है कैरोलिन विजिन एक ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता था क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस महिला एकल खिताब जीतने के लिए सिमोना हैलिप को हराया था। ठीक है, जो कैरोलिन वेजिनिकी है उसने वो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुकी है और उसने हराया किसको था? सिमोना हैलिप को 7-6, 3-6, 6-4 से। ठीक है दोस्तों, तो हम पूछ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की वुमेन्स चैंपियन कौन है? तो वह है कैरोलिन वोजिनएकी। और मेंस में कौन चैंपियन है दोस्तों? रोजर फेडरर। ठीक है, कोलकाता के ईडन गार्डन में फाइनल में राजस्थान को 41 रन से हरा कर दिल्ली ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। ठीक है, तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिल्ली ने जीता है, हराया किसका है? कोलकाता को दोस्तों। ठीक है, और दिल्ली ने पहला बार जीता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा स्पोर्ट्स अगर पूछा जा सके आपको। भारत का सर्वोत्तम समुद्री उत्पाद 27-29 जनवरी को गोवा में भारत इंटरनेशनल सी फूड शो के 21वें संस्करण में दुनिया भर के खरीदारों के लिए प्रदर्शित किया जाएगा, जबकि उद्योग के नेताओं और विशेषज्ञ नीतियों बाजार के रुझान प्रौद्योगिकी और रोड मैप पर विचार करेंगे। 2022 तक US $10 बिलियन के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से हम अगले डेली आपके लिए हिंदी करंट अफेयर्स लेके आएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अब पढ़ते हैं अगले। हिंदी फिल्म के उत्कृष्ट योगदान के लिए महान प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले को यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड से 5वें संस्करण के लिए चुना गया है। मतलब आशा भोसले को हिंदी फिल्म के फील्ड में जो योगदान किया गया है उसके लिए उन्होंने यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है कुष्ठ रोगों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। इस साल 28 जनवरी को इसका निरीक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, 28 जनवरी को जो विश्व कुष्ठ रोग अंतर्राष्ट्रीय मनाया गया था कि ऐसा किया गया था कि लोगों को चेकअप हो सके कुष्ठ रोगों के ऊपर, जिससे कि लोगों को कुष्ठ रोग से और जल्दी सुविधा मिल पाए दोस्तों। ठीक है, यही इसका मेन रीजन है करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा सॉरी अभी और है, ये बार बार रिपीट हो गया गलती से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें इस वीडियो के ऊपर कैसा लगा आपको। अगर और कोई टॉपिक में जानना है तो भी आप हमें बता सकते हैं, हम आपको ला के देंगे उस टॉपिक के ऊपर। शेयर करें हमारे चैनल को ताकि आप डेली ऐसे वीडियोस आपको मिल पाए। और हो सके दोस्तों तो बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसी बेल आइकन दबाइएगा आपको जैसी हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, और हो सके तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ऑडियंस बढ़े। तो
हम और अच्छे वीडियो बना पाए। और दोस्तों आज के लिए सॉरी, थोड़ा बोलने की प्रॉब्लम है मुझको, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेरा हेल्थ ठीक नहीं है आज, इसी कारण से मैं ठीक से बोल नहीं पाया। हालांकि आप समझ लीजिए जो भी इश्यूज है थोड़ा, ठीक है, मैं ट्राई करूंगा कि प्रॉपरली इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू आई कांट टुडे, और मे बी एक दो दिन और चलेगा, बट आफ्टर दैट आई विल मेक इट। मैं इसको बहुत अच्छा बनाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, दोबारा आते रहिए। धन्यवाद।